इस पुरुष प्रधान देश में शुरू से ही महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, जबकि यह हकीकत नहीं है। महिला आज हर एक क्षेत्र में आगे आकर कार्य कर रही है। महिलाओं को हमेशा खाना बनाने और घर का काम करने जैसे चीज़ें ही दिया जाता है, लेकिन आज यही खाना बनाने वाले जैसे काम से एक महिला ऐसी है जो अपना और अपने बच्चे का परवरिश कर रही है। आज मेरी शादी को मतलब 7 साल हो गया है। शादी जब हुई ना, तो शादी के बाद मेरे पति सिर्फ एक रात बस थे मेरे साथ में, जिस दिन शादी हुई उस दिन। उसके बाद से ना वहाँ मतलब अपने घर में रहते थे, यहाँ ना जाना करते थे, क्योंकि मैं अपने मायके में ही थी। और मायके में थी ना, तब उनको बोलती थी जब भी आते थे ना, मतलब एक सप्ताह में 3 दिन या 4 दिन में, तो उनको बोलती थी कि मेरे को लेके चलो घर में रखना ऐसे करके। तो बोलती थी कि बच्चा को होने दे, फिर लेके जाऊँगा तेरे को ऐसे करके ना, मतलब घुमाते थे बात को। तो जब ससुर ख़त्म हुई ना, तो उनका आना जाना तो बंद हो गया था। और सास तो ऐसी है कि कभी बोलती नहीं थी कि जाओ कि मतलब बहू को या मतलब नाती को घर में ला के रखो। उसको बोलती थी कि मेरे को ला के रखो, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, समाज में मिला, उसका नाम दिला उसको ऐसे करके। तो बोलती थी कि नहीं, अभी हम लोग नहीं मिला पाएंगे समाज में, कहाँ मिलाएंगे, अभी 5 साल होने दे फिर मिलाएंगे करके। उन लोग को यही नाटक रहता था। मेरा बच्चा तभी तक उसको ऐसा है कि कभी जानता नहीं कि मेरा बाप आता है कि नहीं आता है, हमेशा बस पूछते रहते हैं पापा कब आएगा ऐसे करके। मैं उसको क्या जवाब दूँगी, आप बताओ ना छोटा सा बच्चा है। क्या चीज़ के लिए मतलब केस की है श्वेता जी? श्वेता को उसके पति के द्वारा छोड़े जाने से परवरिश राशि प्राप्त करने के लिए उन्होंने यह मामला पेश किया है। अनावेदक के द्वारा जो है श्वेता को अपना पत्नी होने से इनकार करा है, जबकि उसकी वो शादीशुदा पत्नी है। साक्ष्य के रूप में श्वेता के पास है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह? हाँ, उसके विवाह के संबंध में आर्य समाज में विवाह हुई है, इस संबंध में उनके पास दस्तावेजी साक्ष्य हैं। कौन से धारा के तहत ये भरण पोषण उनको दिया जाएगा सर? न्यायालय में विधिवत आर्थिका की ओर से धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मामला पेश किया गया है परवरिश राशि प्राप्त करने के लिए। उनका बच्चा भी है श्वेता का? हाँ, एक तो उनके बच्चे को संपत्ति में अधिकार नहीं मिल सकता क्या? बच्चे को मिलेगा, बराबर मिलेगा। जो जमीन पिता की संपत्ति, हाँ जमीन हो उसके यानी कोई जायदाद हो, तो पिता की संपत्ति पर पुत्रों का पुत्रियों का पूर्ण अधिकार है, बराबर का हिस्सा। जो महिलाएं अपने पति से दूर हैं या प्रताड़ित हैं, उनको कानून का सहारा लेना चाहिए और न्यायालय की शरण लेना चाहिए। जहां तक संभव हो समझौता के आधार पर भी, कुटुंब न्यायालय में भी जा करके समझौता के आधार पर भी अपना एक साथ रहने का भरसक प्रयास करना चाहिए। नहीं होने की स्थिति में, प्रताड़ित होने की स्थिति में न्यायालय का शरण, कानून की शरण लेना चाहिए। इस समाज में एकल महिला को जीने के लिए कैसे और किन किन हालातों का सामना करना पड़ता है, वह एक महिला ही जान सकती है। और जहां अंतरजाति विवाह हुआ और विवाह के बाद पति छोड़ दे, तो उसकी दशा और बदतर हो जाती है। एक तरफ पति छोड़ दे, दूसरी ओर समाज, और ये वही समाज के लोग होते हैं जो कि बाद में उस महिला पर ताने कसने को पीछे नहीं रहते। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि एक औरत जो जन्म लेती है यहाँ, उसके साथ क्या होता है और क्या क्या होने वाला है, वो एक औरत ही जान सकती है कि उसको कितना तकलीफ होता है। जब वो एक बेटी रहती है तो उसको कितना तकलीफ रहता है, और किसी की पत्नी बनती है तो किसी बहू बनती है तो किसी की माँ बनती है। रिश्ते में कई ऐसे रिश्ते नाते रहते हैं जो सब उसको झेलना पड़ता है। एक औरत को कितनी मतलब पीड़ा में रहती है वो औरत, कितनी झेल झेलती है, उसको एक औरत जान सकती है। कानूनी तौर पर श्वेता के बच्चे को भरण पोषण के लिए उनके पति द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए। वीडियो वॉलेंटियर के देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि छत्तीसगढ़ रायपुर महिला आयोग को इस संबंध में कहें, और जो कानूनी प्रावधान हैं उसके तहत श्वेता के बच्चे का भरण पोषण के लिए सहयोग देने के लिए दबाव डालें। मैं रीना रामटेके, ग्राम गरियाबंद, वार्ड नंबर 6, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।